सो दोस्तों अगली गाड़ी पेश करते हैं विंटेज कार शो 2024 की बेबी हिंदुस्तान, मगर उससे पहले मिलाते हैं उनके ओनर से। सो अपने बारे में हल्का फुल्का बताइए। आई एम ए डॉक्टर, आई एम फर्स्ट ओनर ऑफ दिस कार। आवर्स इज द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। ओके। माय ग्रैंडफादर, माय फादर, माय सेल्फ, माय सन एंड माय ग्रैंडसन। ओके। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर गिरधर गोविल। और आप कहाँ से हैं? जयपुर से। आई वॉज बॉर्न इन जयपुर। डॉक्टरों की फैमिली, वो भी जयपुर से, तो सब पढ़ने वाले लोग, मगर गाड़ियों का अलग सा प्यार। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, इस गाड़ी के बारे में, देखिए अवार्ड भी रखे हुए हैं, गाड़ी के बारे में हल्का सा हमें बताइए। इट इज़ अ वेरी स्टडी कार जी, मेंटेनेंस इजी है। ओके। ब्रेक डाउन्स नहीं होते हैं। आई हैव ट्रैवल्ड अप टू कश्मीर इन 60s विद दिस माय वाइफ, माय टू स्मॉल चिल्ड्रन एंड नो ड्राइवर। No problem. Nice. और ये जो है, ये 1958 की गाड़ी है, 58 is the last. UK manufactured है, मगर इंडिया में होती थी हिंदुस्तान मोटर्स, बेबी हिंदुस्तान का। बेबी हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान मोटर्स इसको इंपोर्ट करते थे। और बेबी हिंदुस्तान इसलिए क्योंकि साइज में एम्बेसडर से थोड़ी सी छोटी है, अच्छी खासी छोटी। नाइस। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में भी मोस्ट प्रैक्टिकल कार इसी साइज की होनी चाहिए, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके और पार्क कर सके। आप मुझे बताओ, उस जमाने में एक रैंडम कितने की आई थी आपकी? 12,000। और कितनी इसे चला चुके आप? 1 lakh miles। वाओ। सो 1 lakh miles को कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में कि कितने होते हैं। सो इतनी ये गाड़ी चल चुकी है, और उस जमाने में भी 12,000 रुपये में क्या क्या आया करता था। मतलब आज के टाइम देखा जाए ना, तो रोल्स रॉयस खरीद सकते हो अगर कहीं ढंग की जगह प्लॉट में आपने 12,000 में खरीदी। तो साइकिल भी नहीं आती, मोटरसाइकिल भी नहीं आती 12,000। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बताओ कि ये पेट्रोल है या डीजल? पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल है। और कितना सीसी इंजन है इसके अंदर? 1000 सीसी। 1000 सीसी इंजन है इसके अंदर। वाओ। नाइस नाइस नाइस। उस जमाने में गैलन्स होते थे इसमें जी, और माइलेज किलोमीटर नहीं होती, माइलेज से स्पीड जो थी माइलेज से। नाइस नाइस नाइस। सो आप क्या करते हैं, हम गाड़ी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आपकी हम गाड़ियाँ, और भी गाड़ी लेकर आए, यही लेकर आए आप अभी? तो ये नाइस। तो इस गाड़ी का अब हम आपको बताते हैं चारों तरफ से वॉक अराउंड। सो दोस्तों, अब आप लोगों के लिए लेकर आए बेबी हिंदुस्तान, और दिखाते हैं चारों तरफ से। सो सबसे पहले मॉरिस का बीचों बीच आपको, मॉरिस और हिंदुस्तान का आपको बीचों बीच लोगो देखने को मिलता है। उसके साथ में बहुत ही क्यूट खूबसूरत ग्रिल, और उसके साथ में कुछ इस तरीके का दिखने वाला बम्पर, हल्का सा वो जो एम्बेसडर वाली डिज़ाइन एलिमेंट है वैसी की वैसी आपको यहाँ देखने को मिलती है। और उसके साथ में कुछ इस प्रकार की हेडलैम्प डिज़ाइन, ऊपर की तरफ जो विंडशील्ड है वो हल्की सी कर्व शेप में है, और कुछ इस प्रकार के इसके अंदर साइड फेंडर्स देखने को मिलते हैं। बेबी हिंदुस्तान की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और कुछ इस प्रकार के साइड प्रोफाइल। अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो फ्रंट के अंदर 2-seat अरेंजमेंट, और उसके साथ में 3-spoke स्टेयरिंग व्हील आपको इसके अंदर मिल रहा होता है। थैंक यू सो मच सर। जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं भाई जी, एक तो ये स्पोक्स जो है, ये भी आपकी स्मॉल स्पोक्स की बनी हुई है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको उस जमाने में मिलती थी, जिसमें बीचों बीच गियर शिफ्टर आता, और बीचों बीच इसके अंदर आपको माइल्स के अंदर मीटर आता है। सो गैलन में फ्यूल डलता था, और माइल्स के अंदर आपका स्पीडो मीटर आता था। पीछे की तरफ भी आपके पास जगह है, अच्छी कंफर्टेबल काउच जैसी सीटें, और समय तो इस गाड़ी को हो गया, मगर सर ने ऐसी रखी हुई है जैसे अभी के अभी कुछ टाइम पहले ही खरीदी हुई हो। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का इसके अंदर बम्पर की शेप आती है, और कुछ इस तरीके के साइड फेंडर की डिज़ाइन, बेबी हिंदुस्तान की बीचों बीच ब्रांडिंग, और उसके साथ में 1000 सीसी का इंजन, अगर आप भूल ना जाएं, इसीलिए यहाँ पर आपके पास में 1000 की ब्रांडिंग। ऐसा ही ऑटोमोटिव अगर आपको कंटेंट एक्सप्लोर करना हो, बहुत सारी खूबसूरत गाड़ियाँ देखनी हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।